ये जो मरीज जिनको आज हम पेनाइन इम्प्लांट डालेंगे, मौका इस तरह तक का आ चुका है कि मेरी वाइफ उनके ही दोस्त के साथ सो रही है, उनके दोस्त के साथ सेक्स कर रही है और इनको बताती है कि आप कुछ नहीं कर पाते, इस कारण से मैं बाहर जा रही हूँ। 7 साल से इनके अपनी वाइफ के साथ संबंध नहीं है, ताल्लुकात नहीं है। आज हम 1 घंटे की सर्जरी में इनके पेनिस के अंदर 2 रॉड फिट करेंगे। क्या जरूरत पड़ जाती है आदमी को अपने लिंग में रॉड डलवाने की? क्यों होते हैं इतना परेशान कि हम जैसे डॉक्टरों के पास जाके सर्जरी कराते हैं? इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर मरीजों को तंग कर रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं। क्या इन लोगों के पास अश्वगंधा शिलाजीत नहीं थी? क्या इन लोगों के पास वायग्रा टाडालाफिल नहीं था? क्या इन लोगों के पास बहुत अच्छी हकीमी दवाइयाँ नहीं थी? सब कुछ था, उन्होंने सब कुछ ट्राई भी किया था इन सब लोगों ने, पर इनका लिंग खराब हो चुका है। इन मरीजों के पेनिस में डिफेक्ट नुक्स आ चुका है, आर्टरीज नहीं काम कर रही है, ब्लड सप्लाई नहीं है, इसीलिए कराना पड़ता है इनको पेनाइन इम्प्लांट। क्योंकि अगर सेक्स जीवन जीना है, यौन इच्छा है, और कई बार मरीज की यौन इच्छा ना भी हो, उनकी वाइफ की, उनके पार्टनर की यौन इच्छा है, और आप जिनकी शादियाँ हुई है उन्हें पता होता है कि अगर रेगुलर सेक्स, अगर हस्बैंड वाइफ में रेगुलर मिलन ना हो तो किस किस तरह के कलेश घर में हो सकते हैं। ये जो मरीज़ जिनको आज हम पेनाइन इम्प्लांट डालेंगे, ये कुल 51 साल के हैं, डॉक्टर है, डायबिटिक है और शादीशुदा है। इनकी वाइफ की उम्र है 45 साल और 2 बच्चे हैं जो अच्छे खासे स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले 7 साल से, हाँ जी 7 साल से इनके अपनी वाइफ के साथ संबंध नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, मिलन नहीं कर पा रहे, और 7 साल से वाइफ इनको हर बार सेक्स के लिए बोलती है और ये बहाना बनाते हैं। इन्होंने जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हर तरह की दवाई लगा ली, हर तरह का मलहम रगड़ लिया, मेरा लिंग टाइट नहीं होता है और मेरे घर में मौका इस तरह तक का आ चुका है कि मेरी वाइफ उनके ही दोस्त के साथ सो रही है, उनके दोस्त के साथ सेक्स कर रही है और इनको बताती है कि आप कुछ नहीं कर पाते, इस कारण से मैं बाहर जा रही हूँ। तो बताइए इस आदमी को क्या करना चाहिए? क्या इस आदमी को जिल्लत बेइज्जती अपनी वाइफ को दूसरे आदमी के साथ घूमते रहने देना चाहिए या इसका कोई सलूशन करना चाहिए? और सलूशन है पेनाइन इम्प्लांट। पेनाइन इम्प्लांट में आज हम 1 घंटे की सर्जरी में इनके पेनिस के अंदर 2 रॉड फिट करेंगे, जिसके बाद इनका इरेक्शन, इनकी हार्डनेस, इनका साइज, इनकी लंबाई, इनकी मोटाई इतनी अच्छी हो जाएगी कि वाइफ को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाइफ को भी कर सकते हैं और हो सकता है ये भी वाइफ से बदला ले सके और गर्लफ्रेंड से भी कर पाए। तो आज के इम्प्लांट के बाद इनकी लाइफ तो चेंज होने वाली है, पर ये मैसेज है आप लोगों को जो चुपचाप अपनी जिल्लत सह रहे हो, अगर आपका पेनिस नहीं काम कर रहा है, अगर आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके घर में आपकी रोज़ बेइज्जती होती है, तो पेनाइन इम्प्लांट आपके लिए सही है। आइए देखेंगे आज की वीडियो। देखिए आपने 3-पीस पेनाइन इम्प्लांट सर्जरी, इस पेशेंट की स्टोरी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ये जो टेक्निक मैंने यूज़ करी है, ये स्टैंडर्ड पीनोस्क्रोटल टेक्निक है। नमन है मेरे टीचर्स को, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे, डॉक्टर विल्सन, डॉक्टर पेरिटो, डॉक्टर गैब्रियल एंटोनिनी, डॉक्टर हमदान, डॉक्टर रैल्स, ये बड़े बड़े नाम हैं, इन सबके पास हमने ट्रेनिंग करी है। और एग्जैक्टली जो ये टेक्निक आपको UK, US, यूरोप, लंदन, वर्ल्ड में कहीं मिलेगी, सेम टेक्निक से हमने ये 3-पीस इम्प्लांट किया है। टोटल सर्जिकल ड्यूरेशन थी 40 मिनट। सर्जरी से पहले और बाद में काफ़ी टाइम लगता है, सफाई, क्लीनिंग, उसमें जो देखा होगा आपने,
तो जो लोग सोचते हैं कि 3 पीस बनाए इम्प्लांट वेलेबल इम्प्लांट से मुश्किल है, कॉम्प्लिकेशन है, कट्स है, टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 पीस इम्प्लांट और 3 पीस इम्प्लांट में सिर्फ एक ही फ़र्क है, रिजर्वायर का जो एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट है, उसके अलावा बाकी सर्जिकल स्टेप सारे सेम हैं। तो जहाँ वेलेबल इम्प्लांट में लगते हैं 18 से 19 मिनट, वह 3 पीस में लगते हैं 40 से 45 मिनट। खाली 25 मिनट का फ़र्क है, बाकी सर्जरी में उनको खास डिफरेंस है नहीं, पर इम्प्लांट कम्प्लीटली डिफरेंट है। मेलेबल इम्प्लांट हार्ड है, सेक्स में अच्छा है पर छुपाने में डिफिकल्ट है। 3 पीस इम्प्लांट थोड़ा सा लेस हार्ड है पर सेक्स में उतना अच्छा है, और बेस्ट पार्ट है कि इसको छुपाना बहुत आसान है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, इम्प्लांट के बारे में और जानकारी चाहते हो, तो मेरी वेबसाइट पर ब्रोशर है, इन्फॉर्मेशन है, वीडियोज़ है, टेस्टिमोनियल्स है, आप दिए गए लिंक पर जाके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप क्लिनिक पर कॉल करते हो तो वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि आपको मरीजों से बात करवा दे, मरीजों से आपको लाइव इम्प्लांट दिखा दे। जब आपको मन बने तो एक दिन के लिए आएंगे, अपना इम्प्लांट करा के वापस जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।